वेलकम टू द ट्रैवल विथ रिचा। मैं आई हूँ पुणे और आपको लेके जा रही हूँ बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ पे जाके आपका मन हो जाएगा खुश, क्योंकि ना तो आपको वहाँ पे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, ना वो लोनावला खंडाला है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ बेट्से केव्स। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाके आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पुणे से कुछ 60 किलोमीटर दूर है, कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है। रास्ता बहुत ही अच्छा था एंड आप रास्ते में देख रहे हैं पूरे रास्ते भर ग्रीनरी है। एंड बस ये अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। रास्ते में खाने पीने के जॉइंट्स थे, तो अगर आप निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट कर से, तो ब्रेकफास्ट पहले ही कर लीजिएगा वहाँ पे जाने के, क्योंकि एकदम से बेट्से केव्स के वहाँ पे पहुँचे आपको नहीं मिलेगा। देखिए बेट्से केव्स पे हम आ गए, एंट्री टिकट नहीं है इसका कुछ भी। एंड कुछ 1.5 किलोमीटर जितनी ट्रैकिंग होगी, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रास्ते में छोटे छोटे से वाटरफॉल्स मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थक भी जाएँ तो आराम से बैठ सकते हैं। ये देखिए छोटा सा वाटरफॉल है, तो मतलब बच्चों के लिए अच्छा लगता है कि मतलब आपको डर भी नहीं लगेगा ना, आराम से आप यू नो बच्चों को मस्ती करवा सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये जगह एंड बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा वेदर था, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं, देखिए लोग बैठ गए हैं, थक गए हैं, तो मैं भी थक गई थी तो मैं बैठ गई थी। एंड बस ये देखिए फिर से रास्ते में छोटा छोटा सा वाटरफॉल आया, उसे पानी मतलब पाँव डालते हुए चलिए, तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे जाने में। बेसिकली जो बेट्से केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। पुणे मुंबई इन सब चीज़ों से भरा पूरा है, आपको हर जगह सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, बेट्से केव्स नाम है इसका। देखिए फिर से एक वाटरफॉल आया एंड बस फिर से हम चढ़ रहे हैं, हम इतना चढ़ चुके हैं एंड देखिए अभी आ गया है फिर से। अब यहाँ से आपको अंदर जाना है एंड आपको दो केव्स दिखेंगी, दो ही छोटी छोटी सी केव्स हैं एंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में आपका ये सब कुछ हो जाए, फिर आराम से पिक्चर्स क्लिक करवाइए एंड फिर से निकल जाइए। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट केव है, चैत्य केव है इसका नाम, चैत्य ग्रह। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं एंड आप ये देख रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। अंदर जाएंगे, अंधेरा है बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, जिनको पिक्चर्स क्लिक करवाने का बहुत ज़्यादा शौक है वो आराम से यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है, बुद्धिस्ट केव है। तो अब जो दूसरी केव आएगी वो है विहारा केव। ये एक और केव है इधर जाके, जिसमें अंदर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको दिख सकता है फिर भी। देखिए कितना अच्छा वर्क है, कितनी अच्छी कार्विंग की हुई है, बहुत ही अच्छा है ये। ये लास्ट में जाके ये पॉइंट है, और कुछ भी नहीं है इसके बाद। तो बस फिर से यहाँ पे आप सब कुछ ये सब कुछ करके देख के आप निकल सकते हैं। चढ़ने में हमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगे थे, उतरने में इससे भी कम लगेगा। तो बस ये सब कुछ करके मैं जा रही हूँ पावना लेक। मैंने वहाँ पे क्या क्या किया ये सब कुछ जाने के लिए, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और ट्रैवल वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप मुझे एनकरेज करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।